हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वाम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज़ करंट अफ़ेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ का लेक्चर है जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिखी रहा है सो अगेन टेन एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे जो करंट के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे ओके एंड बिफोर स्टार्टिंग द एम सी क्यू गाइज जो भी लेक्चर्स के पी डी एफ फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अक्सर ये मन में सवाल आता होगा कि सर आपने पी फाइल्स तो ऑनलाइन फ्री होती हैं बिल्कुल आपने नाइनटी नाइन रुपीज ले रहे हो यूट्यूब के लेक्चर की पी के लिए देखो लेक्चर तो फ्री है ना तो नोट्स आप खुद भी बना सकते हो तो पी के सौ रुपये लेने से आपको लग रहा होगा कि कोई ताजमहल नहीं खड़े होने वाला है ठीक है इट इज़ जस्ट दैट कि एक सीरियसनेस आती है जब आप किसी चीज़ को परचेज करते हो ना तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि एक ओनरशिप है आप उसको पढ़ोगे मैं नहीं चाहता कि आप इन लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करो और ये बाकी के जो आपके लैपटॉप के अंदर एक बहुत बड़ी सी हार्ड डिस्क में आपने हजारों पीडीएफ रखी हुई है उनमें से एक पीडीएफ डी बन करके रह जाए ठीक है उससे अच्छा तो ना ही पढ़ना है बेटा और ये सिर्फ मेरी पी फाइल्स की बात नहीं है अगर आप कोई भी पी फाइल डाउनलोड करते हो अगर आपको वो यूजफुल लग रही है तभी उसको रखो और यूजफुल लग रही है तो उसको पढ़ो उसको सिर्फ अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर मत करो क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको सिर्फ अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख लोगे वो किसी काम की नहीं है और वो पेपर के दिनों में कन्फ्यूज़ ही करेगी पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या पढ़ना है या क्या रिवाइज़ करना है एंड साथ ही आप एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स के अंदर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के एम सी क्यूज मिलेंगे और कुछ एम सी क्यूज इसके अंदर ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के भी मैं ऐडअप करूंगा अराउंड टू हंड्रेड एट्टी टू हंड्रेड एमसी क्यू इस दोनों के डालूंगा ठीक है कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं ओके okay? सो so, ये कोर्स आपका यूपीएससी आप कोड यूज करोगे फिफ्टी परसेंट ऑफ मिल जाएगा एंड अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको ये पी डी एफ अलग से लेने की जरूरत नहीं है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाए इन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू विद स्टेट गवर्नमेंट्स लक्ष्मी भंडार स्कीम बहुत बड़ी हिंट दे दी वैसे तो यहाँ पर स्कीम का नाम भी दे दिया को स्कॉच अवार्ड मिला था अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी तो ये लक्ष्मी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है पंजाब गुजरात वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र क्वेश्चन में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है जो पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछी जा सकती थी पेपर में वो ये भी पूछ सकता था कि स्कॉच अवार्ड कौन सी स्कीम को मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर तो उसमें फिर लक्ष्मीर भंडार स्कीम आंसर हो जाता हाल फिलहाल पर जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल की ये स्कीम है लक्ष्मी भंडार स्कीम ओके okay, जिसको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है और अगस्त 2021 में ये स्कीम आई थी बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऐसी महिलाओं को जो हेड ऑफ द फैमिली है और 25 से 60 की जो है एज एलिजिबिलिटी है जिनको इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है लक्ष्मीर भंडार स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्ट्रैटीज आर प्रपोज बाई इंडिया इन इट्स रिसेंटली रिलीज लॉन्ग टर्म लो अमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एल टीड्स लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ओके तो बेसिकली यार नवम्बर के अंदर ना कुछ कॉन्फ्रेंसिस हुए थे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दो हजार बाईस में तो वो इम्पॉर्टेंट है उनमें से सवाल बनेंगे तो एल्टी लेड्स क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे हाल फिलहाल ये पूछा कि स्ट्रैटेजी जो इंडिया ने प्रपोज की है नंबर एक की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे तीन गुना अगले दस सालों में इंटरनेशनल हब बनेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का इथेनॉल प्रोपोर्शन इंक्रीज करेंगे पेट्रोल के अंदर और सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी इंक्रीज करेंगे बेसिकली सॉइल के अंदर जो कार्बन स्टोर्ड होता है आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर है वन थ्री फोर वन टू थ्री टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर करेक्ट आंसर यहाँ पर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री तो तीन चीजों की यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन में लीडर बनेंगे और इथेनॉल का जो प्रपोर्शन है फ्यूल के अंदर उसको इंक्रीज करेंगे एल्टी लेड्स या लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तो बेसिकली पैरिस एग्रीमेंट के अंदर जो आपका 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ठीक है इसके अंदर इंडिया भी सिग्नेटरी है और जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज है ना उन्होंने बोला था कि यार हम ना अपनी लॉन्ग टर्म लो एमिशन स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि कैसे हम अपने एमिशन को लॉन्ग टर्म में कम करें और इंडिया ने अपना एक एल टी डॉक्यूमेंट रिलीज किया था सी ओ पी ट्वेंटी सेवन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर और इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंडिया ने बेसिकली बोला कि देखो हम जो अपने कम करने के लिए क्या करेंगे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी नहीं प्रोड्यूस करती उसको तीन गुना कर देंगे अगले दस सालों में ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर लीडर बनेंगे और इथेनॉल प्रोडक्शन प्रपोर्शन जो है वो पेट्रोल के अंदर इंक्रीज कर देंगे ठीक है सो ये तीन स्ट्रैटेजीज के ऊपर मेनली इन्होंने फोकस किया है अब यहां पर आपको मेनली इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो एल टी डॉक्यूमेंट इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो इसने कमिटमेंट किया था उसके अंदर कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट एशिया सम्मिट इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी काफी बार पूछा है पहला स्टेटमेंट है कि ये एशियान का एक इनिशिएटिव है और इसके अंदर ये बेसिकली एक एनुअल मीटिंग है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट्स जो है मेंबर कंट्रीज के वो मिलते हैं दूसरा मेंबर्स ऑफ ईयर्स में एशियान और नॉन एशियान दोनों कंट्रीज हैं तीसरा इस पर्टिकुलर ईयर को एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर 2022 को एशियान ईयर इंडिया फ्रेंडशिप ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन सा करेक्ट है अब इस क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन डी तीनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक है एनुअल मीटिंग है हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स इसके अंदर मिलते हैं एशियान नॉन एशियन दोनों मेंबर कंट्रीज हैं और एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है ओके okay. नौ इसके अंदर दो में ये ईस्ट एशिया सबमिट का प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था पहली मीटिंग क्वाला मलेशिया के अंदर हुई थी एशिया नॉन एशियन कंट्रीज दोनों मेंबर हैं एशियान के दस जो दस एशियन कंट्रीज है वो तो ऑटोमेटिकली आई गई पता होनी चाहिए कौन सी है दस वो ब्रुनाई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड एंड वियतनाम ये दस एशियन कंट्रीज़ हैं नॉन एशियान में कौन कौन है जो मेंबर है ये ईस्ट एशिया समिट का इंडिया है चाइना है जापान है रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो आपका साउथ कोरिया है वो है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है यूएस है और रशिया है ठीक है पाकिस्तान इसके अंदर नहीं है याद रखेंगे एंड थर्टी एनिवर्सरी है एशियान इंडिया रिलेशन की एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ओके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल शील्ड प्लान ग्लोबल शील्ड प्लान से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है पहला इट वाज लॉन्च्ड बाय द जी7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू प्रोवाइड प्री अरेंज्ड इंश्योरेंस एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन फंडिंग आफ्टर इवेंट्स सच एज फ्लड्स ड्रॉट्स एंड हरिकेन्स जी7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर फ्लड ड्रॉट जैसे डिजास्टर्स आ रहे हैं दूसरा कहता है कि फंडिंग uh, को अवेल करने के लिए जो कंट्रीज हैं उनको इंश्योरेंस अमाउंट पहले से पे करना पड़ेगा ठीक है जी उसके बाद अच्छा सिर्फ इसके अंदर इंश्योरेंस फंड क्लेम कर सकती हैं कौन सा करेक्ट है पहला पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा या फिर डी थर्ड करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली ठीक है ग्लोबल शील्ड प्लान तो बेसिकली इसको सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में लॉन्च किया गया था जी सेवन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने इसको लॉन्च किया था कमेंट के अंदर आप बता सकते हो मुझे कि जी सेवन में कौन कौन आता है अभी जी सेवन अभी भी इंपॉर्टेंट है मोदी जी जी सेवन मीटिंग अटेंड करने गए थे तो इसीलिए जी सेवन में कौन कौन मेंबर है वो पता होना चाहिए कमेंट में बताओ कौन कौन है ठीक है उसके बाद जी बेसिकली ये जो ग्लोबल शील्ड प्लान है इसमें क्लाइमेट डिजास्टर से जो कंट्री सफ़र कर रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए था ओके एंड इसके जो कोऑर्डिनेशन है वो जर्मनी देखता है एंड वी ट्वेंटी ग्रुप ऑफ क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज बेसिकली जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है ना वो आती हैं वी ट्वेंटी के अंदर कौन कौन है याद करना ज़रूरी नहीं है प्री अरेंज इंश्योरेंस है डिजास्टर प्रोटेक्शन फंडिंग है एंड वन सेवेंटी मिलियन यूरोज जो है वो जर्मनी के थ्रू है एंड फोर्टी मिलियन यूरोज जो हैं बाकी डोनर्स हैं इंक्लूडिंग डेनमार्क एंड आईलैंड भी इसके अंदर डोनर्स हैं ओके इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट विल डेवलप सपोर्ट टू बी डिप्लॉयड इन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान घाना फिजी एंड सैनिगल जहाँ पर बेसिकली uh, इस टाइप के इवेंट्स अकर होते हैं एंड uh, इसके अंदर uh, इंश्योरेंस टाइप लेने वाला कुछ भी नहीं है जो आपका यहाँ पर uh, एक स्टेटमेंट के अंदर था ना कि पहले से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा एंड वो सब वो नहीं है और लीस डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा भी हैं अब पाकिस्तान लीज डेवलप्ड कैटेगरी के अंदर नहीं आता फिर भी उसको फंडिंग मिल रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के ऊपर पहला स्टेटमेंट है कि ये बेसिकली डिजाइन किए गए हैं टू प्रोवाइड पोजीशन आइडेंटिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ शिप टू अनदर शिप एंड टू कोस्टल अथॉरिटीज ऑटोमेटिकली तो बेसिकली एक शिप से दूसरी शिप या जो है जो कोस्टल अथॉरिटीज़ है वहाँ पर इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि भाई शिप की पोजिशन क्या है उसकी आई वगैरह दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन नेवी इसको मॉनिटर करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये मैंडेटरी है ए आई एस मैंडेटरी है जो भी वेसल्स ट्वेंटी मीटर से बड़े हाइट के हैं इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है गलत कौन सा है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन ए सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है इसीलिए जो आंसर है वो ए है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है देखो अब ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बेसिकली काम इसका वही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाकी के शिप्स को मिल जाएगी या कोस्टल अथॉरिटीज को मिल जाएगी ऑटोमेटिकली चिप के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री ऑफ आपका नेवी नहीं करती इसकी जो मॉनिटरिंग है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट्स करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर आती है अपने को ऑप्शन में क्या क्या बनता नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया कंपलसरी इसको बना दिया था ट्वेंटी मीटर से जो बड़े व्हीकल्स हैं और ये बेसिकली किया गया था दो हजार आठ के टेररिस्ट अटैक्स के बाद लेकिन अभी तक दो, जो ट्वेंटी मीटर से नीचे के वेसल्स हैं उनके लिए तो वेरियस रीजन की वजह से डिले हो गया प्रोसेस बट ट्वेंटी मीटर से अब के लिए तो ए आई एस सिस्टम इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है फिफ्थ क्वेश्चन कंसिडर रिस्पेक्ट टू इन आर लाइफ टाइम कैंपेन इन आर लाइफ टाइम कैंपेन अच्छा जी पहला कहता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है। दूसरा कहता है कि प्रमोट करें तीसरा स्टेटमेंट कहता है इंडियन और फॉरन दोनों यूथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है आपको बताना करेक्ट कौन सा है अब यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं तो इन आर लाइफ टाइम कैंपेन ये अगेन जो सी ओ पी ट्वेंटी सेवन इजिप्ट के अंदर हुआ था उसी में इसको लॉन्च किया गया था हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और यू एन डी पी ने इसको लॉन्च किया था बेसिकली यहाँ पर यूथ को एनकरेज कर रहे हैं क्योंकि देखो फ्यूचर वही है अब अट्ठारह से तेईस साल की उम्र का जो आदमी है अल्टीमेटली उसकी एक्टिविटीज बाकी ने तो जो करना था वो कर चुके जो साठ साल का आदमी है वो तो जो करना था कर चुका अठारह से तेईस वाले हैं ये फ्यूचर के अंदर काम करेंगे धंधा इन्होंने करना है व्यापार इन्होंने करना है इकोनॉमी बनाना है तो इनको कैसे इनकरेज करें कि ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करें इनको कैसे इंकरेज करें कि ये एनवायरमेंट कॉन्शियस हो जाएं, ठीक है तो बेसिकली ये कैंपन क्या बोलता है ये यूथ को एनकरेज करता है कि वो आगे आए वो आइडियाज लेकर के आए कि कैसे इन्वायरमेंट को अच्छा बनाया जा सकता है ठीक है जो ये लाइफ टर्म है ना ये लाइफ इन आर लाइफ टाइम कैंपेन ये लाइफ का जो कंसेप्ट है ये दिया भी हमारे प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने सीओपी पी ट्वेंटी सिक्स जो ग्लासगो में हुआ था लाइफ के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि भैया एक सर्कुलर इकॉनमी होनी चाहिए ठीक है सर्कुलर इकोनॉमी में बेसिकली एक जो इंडिविजुअल है बेसिकली वो प्रो प्लानिट है तो जो लाइफ है ना वो पीथरी को एनकरेज करता है

प्रैक्टिस के टाइम पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने का एक रीजन ये भी होता है प्रैक्टिस के टाइम पर कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन कवर हो जाती है नहीं तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनाने में तो फिर हम लगे रहेंगे अभी ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन के थ्रू हमारे हम इतनी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं कि वो तीन चार पांच क्वेश्चन के बराबर है नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गवर्मेंट द रेगुलेशन टू स्टेट दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस बाय आधार होल्डर्स डैश फ्रॉम द एनरोलमेंट डेट सरकार ने क्या बोला है कि भैया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी अपडेटेड अब आप जब आधार बनाते हो तो आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हो तो अभी रिसेंटली सरकार ने क्या बोला कि आधार जिनका बन चुका है एक बार जिनका बन गया अब ऐसा नहीं है कि उनको जिंदगी भर कोई चिंता ही नहीं है सरकार कहती है कि आपको आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं ताकि उसको अपडेटेड रखा जा सके और फेक आधार या जिनकी डेथ हो चुकी है उनको बाहर किया जा सके ठीक है तो सरकार ने क्या बोला है? कि हर दस साल में हर दस साल में आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे आपको एक बार अपडेट करने पड़ेंगे अपलोड करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स आधार की वेबसाइट पे जाकर के ताकि एक डाटा बैंक जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे सेवेंथ क्वेश्चन है जी हु रिसेंटली अवॉर्डेड द यूनाइटेड किंगडम्स यूनाइटेड किंगडम्स रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स थ्री रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट नवंबर 2022 के अंदर ये अवार्ड मिला था ये अवार्ड मिला था वेंकट रमन रामाकृष्णन को आंसर सी है वेंकट रमन रामाकृष्णन जो है बेसिकली साइंस को बिलोंग करते हैं 2010 में इसको इनको हमारे कंट्री में पद्म विभूषण भी मिला था 2009 में ये वन ऑफ द साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था

स्वीडन और इंडिया ने इसको लॉन्च किया था डब्ल्यूटीओ के साथ मिलकर के आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहां पर ऑप्शन है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ डी नीदर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली ठीक है जी बेसिकली पढ़ते हैं इसके बारे में फिर दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो लीड इट इंडिया और स्वीडन ने रिसेंटली इसको होस्ट किया था सीओपी ट्वेंटी सेवन अगेन सीओपी ट्वेंटी सेवन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से जो इजिप्ट के अंदर हुआ था आपका एंड लीडेड बेसिकली क्या बोलता है ये कंट्रीज और कंपनीज को एक साथ लेकर के आता है कि भैया कैसे हम नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो गोल है 2050 तक उसको अचीव करें ठीक है इंडिया और स्वीडन ने इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया था एट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट ऑफ टू और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सपोर्ट करता है हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट क्या था कि डब्ल्यू सपोर्ट करता है इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है और पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है वो तो आपने देख ही लिया है ठीक है जी उसके बाद बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि मेंबर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री को लो कार्बन एमिशन के पाथवे पे कैसे लेकर के जाएं जिससे अल्टीमेटली 2050 तक ये कम होगा और इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट को के साथ काम किया जाएगा ओके नाइन्थ क्वेश्चन डिजिटल शक्ति के ऊपर क्वेश्चन है और पहला स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ये इनिशिएटिव है दूसरा Uh, ये जो कैंपेन है वुमेन और गर्ल्स के लिए एक्सक्लूसिव है टू गेट डिजिटली एम्पावर्ड इन द फील्ड ऑफ साइबर स्पेस अच्छा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इजी क्वेश्चन है आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन बी टू ओनली तो इनिशिएटिव किसका है ये ये गलत है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इनिशिएटिव नहीं है ओके okay जी सो so, डिजिटल शक्ति जो ये मिशन है ये 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था नेशन वाइज एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए स्पेशली वुमेन के लिए ताकि वो साइबर क्राइम को फाइट कर सकें इफेक्टिव वेज के अंदर एंड अभी रिसेंटली डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया गया था जिसमें वुमेन को डिजिटल स्किल्स हम देने की बात कर रहे हैं एंड अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इन एंड इन एक्टिविटीज़ ऑनलाइन और ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्लस साइबर स्पेस फाउंडेशन एंड मेटा जो बेसिकली आपका फेसबुक है उसका ये इनिशिएटिव है तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आना था ओके टेंथ एंड फाइनल क्वेश्चन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इसके ऊपर क्वेश्चन है और पहला स्टेटमेंट है कि ये डब्ल्यू ने प्रपोज किया है दूसरा इसका एम है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स को टैक्स करे जो एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा कार्बन एमिट हो रहा है इंडिया डज नॉट एन एक्सप्लेट कार्बन प्राइस कि हम अपने गुड्स के ऊपर इंडिया कोई कार्बन प्राइस नहीं लिवाय करता कि हाँ भाई ये कार्बन प्राइस है कि इसकी इतना एमिशन हुआ और वो सब विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका बी सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है ये ईयू का इनिशिएटिव है डब्ल्यूटीओ का नहीं है इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सो यूरोपियन यूनियन ने पॉलिसी को प्रपोज किया है इसके अंदर बेसिकली यूरोपियन यूनियन क्या बोल रहा है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स को टैक्स करेगा जैसे सीमेंट एंड स्टील जो काफ़ी ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव है और 2026 से प्लान है इनको टैक्स करने का 2010 में यूरोपियन यूनियन ने एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी बनाया था इसमें इन्होंने ना एमिशन राइट्स दिए थे अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कि भाई आप इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकते अब ईयू क्या बोल रहा है कि जो इम्पोर्ट होते हैं जैसे स्टील और सीमेंट के अब उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ऊपर तो लगा दिए टारगेट कि भाई इससे ज़्यादा नहीं अमीशन होना चाहिए लेकिन बाहर से जो आ रहा है उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं है तो फिर उससे क्या होता है ना जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्होंने बोला कि हम बाकी के जो इम्पोर्ट होगा ना उसके ऊपर फिर एक कॉस्ट लगाएंगे जो ये ऐसे कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो क्रिएट हो एंड जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है जहाँ से यू के अंदर आ रहा है उसको भी मिले कि वो कार्बन को कम करे, ओके? करंटली टेन क्वेश्चन मजा आया होगा और मजा नहीं आया तो क्यों नहीं आया वो कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे बाकी पीडीएफ के बारे में और कोर्स के बारे में आपको बता दिया गया मॉक टेस्ट के भी में है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मल्टीपल सोर्सेस से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो आप मुझसे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो मेल से कनेक्ट कर सकते हो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय